हे गाइस, दिस इज सी एस सी एम आज तो स्टार्टअप फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाडा प्रोफेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एंड दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सीएमए इंटर के उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपियर होने वाले हैं कल, दैट मीन्स सीएमए इंटर पेपर 10 के पेपर में, जिसका नाम रहेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जिन्होंने बोथ ग्रुप अप्लाई किया हुआ है और आज वो सभी लोग सीएमए इंटर ग्रुप 1 का पेपर देकर के आए हैं। दैट मीन्स अभी अगर मैं बात करूं तो प्रिसाइसली 1 बजने वाला है और आप लोग 1 बजे अपने एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आएंगे और बाहर आने के साथ आप लोगों के पास 1 से 1.5 घंटे में आप लोग घर पहुंचेंगे। एंड देन उसके बाद में कुछ थोड़ा सा रेस्ट करके आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल का जो पेपर रहेगा आपका सीएमए एफएम का, उसके अंदर अभी आप लोगों के पास सिंस बहुत ज्यादा समय नहीं होता है बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, लगातार पेपर चलते रहते हैं और आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये वाला पेपर पहले माइंड में डाला, फिर उसको निकाला, फिर दूसरा डाला, फिर उसको निकाला, ऐसा सिनेरियो होता है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी बोथ ग्रुप्स दिए हैं इंटर में भी एंड फाइनल में भी। तो ये चीज़ होता है कि एक सब्जेक्ट को निकालना और उसको वापस दूसरे को उसके अंदर इनबिल्ट करना थोड़ा टफ रहता है। बट अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने पास्ट में जितनी भी मेहनत की है वो आप लोगों के इस टाइम पे बहुत काम आने वाली है। अब जो आखिरी के ये चंद आर्ट्स जो आप लोगों के पास हैं, इनको आपको कैसे यूटिलाइज करना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है 3 टॉपिक, मैनेजमेंट अकाउंट आपका, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी। ये 3 वो टॉपिक है जहां से आप लोगों को 30 से 35 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा, डैम श्योर। मतलब कि कोई दो राय नहीं है, आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर एंड यहां पर 4 आपका थ्योरी के अंदर भी 8 to 10 मार्क्स का कवरेज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने इन 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लिया, अब पॉइंट अराइज होता है, सर अच्छे से का मतलब क्या है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अच्छे से का मतलब है लाइक आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आप लोगों को क्या करना है, सिंपली एक तो आप लोगों का जो ओवरहेड वेरियंसेज है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का क्या होता है कि ग्रुप 1 के अंदर मटेरियल और लेबर होता है आप लोगों के वेरियंसेज में, और ग्रुप 2 के अंदर आप लोगों का फर्दर बाकी सब चीजें आ जाती हैं। तो इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन तो फिक्स है फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंसेज से, तो आप लोगों को क्या करना है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंसेज के 1-2 क्वेश्चंस देख लेने हैं, फॉर्मूला के साथ साथ 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, आप लोगों का काम हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर बात करते हैं तो जो आपके 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें 1 क्वेश्चन तो आप लोगों का ब्रेक इवन एनालिसिस वाला जो टॉपिक है जो हम लोगों ने किया है, दैट मींस फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें हम लोग सिंपली पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सब चीजें निकालते हैं, 1 क्वेश्चन आपका वो आता है। और दूसरा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को डिसीजन मेकिंग का मिलता है, जहां पर आप लोगों को प्रोबेबली की फैक्टर का क्वेश्चन या मेक और बाय का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोगों को उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपली आपको जितने भी नोट्स मैंने लिखवा रखे हैं वो सभी नोट्स के ऊपर फोकस करना है, आप लोगों का काम हो जाएगा। एंड मोमेंट पे ज्यादा क्वेश्चन करने के पीछे मत जाइएगा, अदरवाइज आप लोगों का कोर्स कवर अप नहीं हो पाएगा। आपके पास गिन के 8-10 घंटे होते हैं, उस 8-10 घंटे को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। फिर रही बात आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको रेशियो एनालिसिस जो है उसके भी अगेन 1-2 क्वेश्चन देख लेने हैं, जिसमें आप लोगों को लगे कि यार ये किस तरह से हमारी बैलेंस शीट वगैरह बनती है एंड सारी चीजें, फॉर्मूलाज वगैरह सारे एक बार देख लेंगे, फॉर्मूलाज लर्न कर लेना है। फॉर्मूलाज कैसे कैसे हैं मैंने आपको कैसे लर्न करने हैं, लर्न करने के लिए मैंने नहीं बोला था, कॉन्सेप्चुअली मैंने आप लोगों को एक एक चीज बताई थी कि फॉर्मूला कैसे ड्राफ्ट होता है, उसके नोट्स भी मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से प्रिसाइसली वो रेडी करके दिए। तो रेशियो एनालिसिस आप लोग अच्छे से रेडी कर लेंगे। कैपिटल बजटिंग जो है उसके भी नोट्स एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्वेश्चन आप उसका एक आध देखेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसके इतने सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो आप वहां पर वो चीज कवर अप कर जाएंगे। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के भी अगेन 1-2 क्वेश्चन देख लेने हैं, पूरे आपके जो भी नोट्स हैं उनको कवर करके, फिर आप लोगों के कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये पोर्शन वो है जो अगर आपने ढंग से कवर अप कर दिया, दैट मीन्स रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड आप लोगों का कैश फ्लो, ये 4 टॉपिक अगर आपने ढंग से कवर अप कर दिए एफएम में एंड 3 टॉपिक कवर अप कर दिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो दोस्तों आप लोगों के शॉर्ट शॉर्ट एग्जम्पशन मार्क्स इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इनके ऊपर प्रायोरिटी रखनी है, फिर उसके बाद में जो समय बचेगा तो उसके बाद में हम लोग वर्किंग कैपिटल, लीवरेज, डिविडेंड, आपका फंड फ्लो, देन इन सब चीजों के ऊपर आपके आएंगे। तो आप लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान देना है। रही बात उधर आपका एक क्वेश्चन ट्रांसफर प्राइसिंग एंड लर्निंग कर्व से आता है, तो वहां पर भी आप लोगों को सिंपली नोट्स को गो थ्रू कर लेना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बस ये चीज का ध्यान रखना है। और पेपर के लिए अगेन मैं एक चीज बोल रहा हूं,
आप लोगों को एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पर एक चीज सबसे ज्यादा मदद करती है, और वो है क्वेश्चन की प्रॉपर रीडिंग। आपको प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ा है तो हमने इतना पढ़ चुके हैं, इतना हमारे को नॉलेज हो चुका है कि अब आपका पेपर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बस कॉन्फिडेंस रखना है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का, एंड बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करना है। और एग्जाम होने के बाद मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, और जो पेपर पैटर्न मैंने ये बता रखा है आप लोगों को, बिल्कुल बाकायदा क्वेश्चन वाइज पेपर पैटर्न मैंने आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो मुझे देख के जरूर बताइएगा कि क्या उसी पेपर पैटर्न के हिसाब से एग्जाम के अंदर पेपर आया है कि नहीं आया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ए पॉइंट आपका बजटरी से आएगा, बी पॉइंट या तो ट्रांसफर प्राइसिंग से होगा या लर्निंग कर्व से होगा। सेम वही चीज अगर मैं बात करूं सीएमए आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए रेशियो का, 2 का बी कैश फ्लो या फंड फ्लो, क्वेश्चन नंबर 3 का ए वर्किंग कैपिटल जिसमें आपका वर्किंग कैपिटल या डेटर्स मैनेजमेंट दोनों में से कहीं से भी हो सकता है, 3 का बी जो है वो या तो लिवरेज से या डिविडेंड से, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से होगा, ए पॉइंट या कैपिटल स्ट्रक्चर से भी कभी कभार आ जाता है, बाकी मोस्टली वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आता है, और 4 का बी आपका हमेशा कैपिटल बजटिंग से आता है। थ्योरी की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप लोगों को एक क्वेश्चन मार्जिनल से और एक क्वेश्चन बजटरी से देखने को जरूर मिलेगा। एफएम की बात करते हैं तो एफएम के अंदर एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से और एक क्वेश्चन रेशियो से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, और ये ध्यान रखिएगा ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोग इजीली 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान देते हुए बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करना है, किसी भी तरह का लोड नहीं लेना है अपने आप पे, और कॉन्फिडेंस रखना है अपनी पूरी मेहनत पर जो हमने आज तक की है। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।